मोक्ष के जितने साधन हैं उनमें सब साधनों से श्रेष्ठ है त्याग। त्याग ही वही सर्वेषां मोक्ष साधन उत्तमम्। त्यजत ही वही तज्ञेयम्। त्यक्तो प्रत्यक् परम पदम्। ये नहीं कि पहले सहायक को छोड़ रहे, पहले जो बाधक होता है उसको छोड़ना पड़ता है, ये साधन की रीति। जैसे आपको दान करना है तो उसमें जो संग्रह का लोभ है उसको छोड़ना पड़ता है। यदि आप पैसे को जुए में खर्च कर देंगे, शराब में खर्च कर देंगे, फूस में खर्च कर देंगे, तो दान कहाँ से करेंगे? तो जुआ है, शराब है, व्यभिचार है, ये आपके दान रूप धर्म में धर्म करने में बाधक है। तो आप यदि धर्म के प्रेमी हैं तो धर्म करने में जो बाधक है उसको पहले छोड़ना पड़ेगा। जैसे आप व्रत रूप धर्म करना चाहते हैं कि हम व्रत करेंगे, एकादशी करेंगे, पूर्णिमा करेंगे, अमावस्या करेंगे, तो ये जो बार बार खाने की लत है ना आपके, चाहे जो खासनों में डाली हो, इसको उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह भोजन का नियम, कितना खाएंगे, कितनी बार खाएंगे, तब आप कोई जब व्रत करेंगे तो ये बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। तो धर्म यदि आप करना चाहते हैं तो जो आपको धर्म में बाधक मालूम पड़े उसका त्याग पहले कीजिए, और जो धर्म में सहायक है उसको कीजिए। अच्छा, और अपने लिए ही नहीं दूसरे लिए भी बाधा का ख्याल करना चाहिए। जैसे आप प्रणाम करते हैं, आपको धर्म होता है, धर्म की दृष्टि से प्रणाम करते हैं। अब आप प्रणाम करने का धर्म तो करें पर चलने वाले को रास्ते में बार बार रुकना पड़े, चलते हुए तो प्रणाम करें है? तो वहां अपने हाथ पर ही ब्रेक लगाना चाहिए, उनके प्रणाम नहीं करना चाहिए, दूर से कर रहे। अब आदमी भोजन कर रहा है, आपने जाकर दंडवत किया, उसका ध्यान उधर गया, गाछे तो हो कितने में सरक गया, दातन कर रहा है, ध्यान उधर गया, दांत में लग गया। तो धर्म में सावधानी चाहिए, सावधान, न अपने धर्म में बाधा पड़े और न दूसरे के किसी काम में बाधा पड़े। हर समय चुस्त रहना चाहिए हो, सावधान, बिल्कुल सावधान।
नहीं तो धर्म अपने लिए या दूसरे के लिए बाधक हो जाता है। जब कर रहे हैं नाक में उंगली डाल दे तो धर्म के अनुसार कान में आंख में नाक में जब उंगली डाली तो फिर हाथ धो के जब करना चाहिए तो कसाव। इसका मतलब यह है कि आप आंख नाक में उंगली न डालें, बार बार हाथ धोना नहीं पड़ेगा। ये होम करते समय बैठते हैं तो कुछ आहुतियां ऐसी होती हैं कि बायां घुटना धरती पर होना चाहिए, दाहिना ऊपर होना चाहिए। अब वो होम करते समय सावधानी रहना, यहाँ जल छोड़ना, यहाँ हाथ जोड़ना, यहाँ आहुति प्रणीता में डालना, यहाँ प्रोक्षण में डालना, एक एक बात। रसोई बनाने लगे नमक डालना भूल गए तो ये प्रमाद है। छौंक लगाने लगे जल गया, ये सब प्रमाद है। प्रमाद तो धर्म का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो प्रमाद है, आलस्य है, निद्रा है, तंद्रा है, संध्या वंदन करने का समय, पूजा करने का समय और पांव पसार के सो रहे हैं, तो आपके जीवन में न पूर्ति है और न चुस्ती है, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। ये धर्म में त्याग जो है वो आपकी सावधानी को जगाने के लिए होता है, और धर्म के पालन में जो बाधा डालने वाली चीज है उसका त्याग होता है। और आप यहां से साधन अगर प्रारंभ नहीं करेंगे तो ये आप वेदांत का चिंतन करने बैठेंगे तो वेदांत तो धरा रह जाएगा अलग, आप किसी दूसरे का चिंतन करने लगेंगे। ये मत समझना कि ये सब मामूली बात है, इसका सबका संबंध ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ है। आप भगवान की भक्ति कीजिए तो भगवान की सेवा में, पूजा में, ध्यान में जो चीज बाधा डालती हो उसका त्याग करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। आप बैठे भगवान का ध्यान करने और दुश्मन की याद करने रहे तो अगर किसी से दुश्मनी रखोगे तो भगवान का ध्यान करने में भी दुश्मन आएगा, और याद करोगे दुश्मन को और चंदन लगाओगे भगवान को, माला पहनाओगे भगवान को, है तो वो दुश्मन को लगेगा, वो चंदन दुश्मन को लग जाएगा। हाँ हमको याद है वो एक मंदिर में खड़े हुए दर्शन करने को बचपन में, तो अपना जूता सामने दरवाजे के बाहर निकाला तो हम बोलते तुम्हें माता से पिता तुम्हें, और एक बार तो भगवान की ओर होता, दूसरी ओर जूते को देखते कि अपनी जगह पर है कि नहीं, तो तुम्हें और बंधु से सखा तुम्हें वो जूते की ओर हो जाते। तो अब दुश्मन की याद करोगे, अपने यार की याद करोगे, अपने प्यार की याद करोगे, पैसे की याद करोगे, बही खाते की याद करोगे। तो भगवान की पूजा में जो चीज बाधा डालने वाली हो उसको थोड़ी देर के लिए अपने से अलग करके पूजा करते। अब योगाभ्यास करना है तो आपको अंतर्मुख होना है, तो आपकी अंतर्मुखता में जो बाधक हो उसका त्याग कीजिए। आप ज्यादा खा के बैठेंगे, प्राणायाम कर रहे तो उल्टा हो जाएगा। शाहजहांपुर में हमको एक आदमी मिला था, वो रोज वो करता था, वो जो उल्टा करते हैं ना जोगी लोग, सिर दासन विपरीत करणी ऐसे कुछ लोग पांव ऊपर करने से। तो खाने के बाद उसने कर लिया बेवकूफी ये कि भोजन किया और उसके बाद पांव ऊपर, वो समझता था कि ये करने ही मजा है। अब वो भोजन का ऐसा दबाव पड़ा कि उसके हाथ पांव सब के सब लकवा लगता है ना, लकवा लग गया हो उसके शरीर में, बैसाखी पर चलता था। शाहजहांपुर में मैंने देखा
नींद आ रही है और आप योगाभ्यास करते जा रहे हैं, वो मक्खी बैठती है ना, झूठ मूठ की बैठती है, मन में मक्खी बैठती है और उसको उड़ाने के लिए हाथ पे यूं कर देते हैं, हाथ पे यूं कर देते हैं। ये व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सब विघ्न है योग के। त्याग, योग में त्याग करना क्या, बहिर मुक्ता का पर त्याग करना और अंतर मुक्ता को धारण। त्याग के बिना कोई साधन नहीं हो सकता, बस आप ये समझ लो। यदि पर पुरुष का त्याग नहीं करोगे तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होगा। यदि व्यभिचार का त्याग नहीं करोगे तो गृहस्थ धर्म का ठीक पालन नहीं होगा। त्याग ही साधन है। अच्छा एक बात और, कि जो गृहस्थ रहकर गृहस्थ धर्म का ठीक पालन नहीं कर रहा है, यदि वो सन्यासी हो जाएगा तो सन्यास धर्म का भी ठीक ठीक पालन नहीं करेगा, क्योंकि धर्म के पालन में थोड़ा त्याग करना पड़ता है और थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो नियम से, मर्यादा से जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब आओ वेदांत की बात। इंद्रियों से हमको बाहर के विषय मालूम पड़ते हैं, शब्द है, काम है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, आंख से रूप दिखता है। अब आप वेदांत की साधना करने बैठिए और रेडियो चला लीजिए, संगीत आ रहा है, हमारा काम तृप्त हो रहे हैं, रेडियो चला के भगवान की पूजा करते तो मैं बहुतों को देखता, तो आपके कान को प्यारा लगता है, है? और एक नौकर खड़ा कर दिया कि तुम पंखा जलते रहो, ठंडी ठंडी हवा लगती रहे, सब हम वेदांत चिंतन करते हैं। अपने शाम को ऐसा बनाओ कि वो ठंडी हवा में भी करे, गर्म हवा में भी करे, नहीं तो आप तो बंधन बना रहे हो ना अपने लिए, बंधन बना रहे हो ऐसे। एक बढ़िया सुंदर रूप माधुरी सामने रहेगी तब हम ब्रह्म का चिंतन करेंगे। अब यहाँ देखो क्या निवृत्ति क्या होती है, ये होती है कि इंद्रियों को अपने विषयों में मत जाने दो। ये जो बारंबार विषयों की ओर इंद्रियों के जाने की प्रवृत्ति है, तो विषयों में से इंद्रियां निवृत्त हो और अपने रूप में बैठने में प्रवृत्त हो। योग की भाषा में इसको प्रत्याहार बोलते हैं, बोला प्रत्याहार माने इंद्रियां जो विषयों का आहार करती हैं, खाती हैं, सुनती हैं, उसके उल्टा कर लो। आपकी इंद्रियों जो जागती रहे, कान भी रहे, आंख भी रहे, खुली आंख कोई गलत नहीं, परंतु इन इन इंद्रियों को विषयों के भोग से निवृत्त कर लो। ये जो विषयों की भोग की निवृत्ति है, त्याग है, निवृत्ति है, न्यास है। अच्छा अब इंद्रियां तो हैं कई, अनेक हैं, और आपका मन एक है, ये दौड़ दौड़ के इतनी तेजी से घूमता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि कब कहां किस इंद्रिय में गया। तो मन को इंद्रियों में से उठाओ, ऊपर उठाओ, निवृत्त करो और मन को अपने स्वरूप में बैठाओ, प्रवृत्ति। अब बुद्धि को दूसरे विचारों से निवृत्त करो, दूसरे विचारों का त्याग करो और आत्म विचार में प्रवृत्त करो। ये त्याग हुआ, त्याग। तो बुद्धि को भी
भिन्न भिन्न विचारों और प्रक्रियाओं से निवृत्त करके शांत कर दो और उसको देखो। ये उपनिषद में वेदांत में ऐसे वर्णन है। यच्छेदवान मनसी प्राज्ञः तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति यच्छेद तद्यच्छेद शांत आत्मनि। ये कठोपनिषद का मंत्र है ना। आप अपनी वाणी को माने बाहर के इंद्रियों को रोकिए, मन में ले आइए, क्योंकि बिना मन के वाणी नहीं बोलेगी। फिर मन को ज्ञानात्मा में ले आइए और अपने ज्ञानात्मा को महान समष्टि बुद्धि तत्व से एक कर दीजिए और उसको शांत निष्क्रिय ब्रह्म में ले आइए। ये निवृत्ति की साधना है, ये त्याग की साधना है। आपकी दृष्टि से जो चीज आप नहीं है अनात्मा, जो जड़ है सो आप नहीं है, जो विनाशी है सो आप नहीं है, जो दुख है सो आप नहीं है, जो दृश्य है सो आप नहीं है, जो आप नहीं है उससे अपने को अलग। अब एक बात ऐसी आपको सुनाते हैं जो व्याख्यानदाताओं को उपदेशकों को प्रचारकों को जल्दी ध्यान में नहीं आती है। और किसी किसी को आती है पर सबको नहीं आती। आप कैसे ये मुझसे अलग है, क्या आप ऐसे चिंतन करते हैं कि ये मुझसे अलग है? ऐसा चिंतन करते हैं कि इससे मैं अलग हूं, इसमें बड़ा रहस्य है। वो यह मुझसे अलग है, ऐसा करके तो आप एक गलत बात अपने बारे में बैठाते हैं। ये अंग्रेजी पुस्तक पढ़ के ये बात नहीं देखी जा सकती। देखो मैं बिल्कुल साफ साफ बताता हूं, यदि आप ये ध्यान करते हैं, ये चिंतन करते हैं कि मुझसे यह अलग है, तो आप अपने मैं को अलगाव के जंजाल में डाल देते हैं, अपना अलगाव स्थापित करते हैं। दोनों के नतीजे में बड़ा फर्क है। इससे मैं अलग हूं, देखो अज्ञान दशा में जो यह के रूप में मालूम पड़ रहा है ये नाशवान है, नित्य है, ये जड़ है, दृश्य है, ये दुख रूप है, ये परिच्छिन्न है, और मैं इसका दृष्टा चेतन साक्षी इससे पृथक हूं। ये तो विवेक का मार्ग हुआ। और जब विवेक करते करते आपको अपरिच्छिन्नता, अपनी अपरिच्छिन्नता का अनुभव होगा, मैं अद्वितीय हूं तो मुझसे अलग कुछ नहीं होगा। तो जहां फंसे हैं वहां से निकालना साधन होता है। द्वैत की स्थापना के लिए विवेक नहीं किया जाता है, द्वैत को मिटाने के लिए विवेक किया जाता है। तो विवेक में अन्य का त्याग होता है और बोध में अपने से भिन्न का बाध होता है। अब आपको फिर से एक बार सुनाता हूं। धर्म में दान होता है, दान, अपनी चीज दूसरे की बनाना। हमारे घर में एक गाय थी, हमने दूसरे को दे दिया। स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्वावादनम दानम, अपनी जो हकदारी थी उस पर अपने हक की हम मान रहे थे उस चीज को अपना हक मिटा के और उस पर दूसरे का हक बना देना, इसका नाम होता है दान। ये धर्म में दान होता है। और उपासना में भक्ति में दान नहीं होता। क्या होता है?
समर्पण होता है। समर्पण माने क्या? ये चीज पहले से ही भगवान की थी, हमने गलती से भूल से इसको अपनी मान लिया था। अब तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर, ये तेरी चीज पहले से ही है बाबा, मैंने बीच में मेरी मान रखी थी, अब मैं अपनी गलती छोड़ रहा हूँ, ये तो तेरी है। धर्म में दान होता है, भक्ति में समर्पण होता है, और योग में न दान होता है न समर्पण होता है, तो वो क्या है? तो वो वैराग्य होता है। संसार अपनी जगह पर है, हमारा उससे कोई राग द्वेष नहीं है, तेरे धाम में जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो मौन मुहार, हमारा दिल साफ होना चाहिए। कृष्ण और आनुश्रविक विषय के प्रति जो वैराग्य है और उसमें भी मन का न जाना है, उसी कार संज्ञा वितृष्णा होवे वैराग्य होवे और मन उधर चंचल होके न जाए, तो योग में वैराग्य होता है ना, वहां वैराग्य ही त्याग है, वहां दान करने के विक्षेप में नहीं पड़ते हैं, और वहां तो प्रकृति का सारा विलास है, जहां का तहां दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धरती चक्रिया, इसको योग बोलते हैं। योग का त्याग है, योग का त्याग है वैराग्य और असंगता, ये न मेरा है न मैं, और वेदांत में त्याग होता है बात, उसको बोलते हैं बात, माने मुझ अद्वितीय परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। देखो जो मैं होगा उसका त्याग नहीं होगा, मैं का त्याग नहीं होता, आत्मा का त्याग नहीं होता। अच्छा, और अनात्मा का त्याग भी नहीं होता वेदांत में, क्यों? तो पहले से ही त्यागा हुआ है, छूटा हुआ है, त्याग किसका करोगे? एक जमींदार साहब ने हमसे कहा कि हम एक गांव देते हैं आपको, अभी जिंदा है जमींदार भी जिंदा है। मैंने पूछा कैसा गांव है, सब विवरण दिया उसका, बोले महाराज मेरा कब्जा नहीं है उसके ऊपर। तो ये अनात्मा जो वस्तु है उसको तो झूठे ही मूठ मेरा मानते हैं, अपना है ही नहीं, जान लो कि मेरा नहीं है, मैं नहीं है, जानने ही त्याग है। जो द्वैत दिखाई पड़ रहा है वो द्वैत परस्पर विरोधी होने के कारण मिथ्या है, ऐसा बौद्ध कहते हैं। उनको ठीक ठीक न समझना मिथ्या ज्ञान है, ऐसा नैयायिक कहते हैं। उनको मैं मेरा समझना अविद्या है, ऐसा योगी बोलते हैं। तो त्याग 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 हे वही सर्वेशम मोक्ष साधन उत्तमम। आओ त्याग की परिभाषा देखो, दान की परिभाषा अलग है, समर्पण की परिभाषा अलग है, असंगता की परिभाषा अलग है, और वेदांतियों के त्याग की परिभाषा अलग है। लेकिन आप सबको ठीक ठीक ढंग से जब समझोगे विश्लेषण करोगे तब बात समझ में आ रही है। अब बुराई को तो त्याग नहीं सकते, और त्यागने लगे क्या? कहा स्वर्ग मैंने त्याग किया था, स्वर्ग स्वर्ग था। अरे स्वर्ग में तो तुम पहले भी नहीं थे, हम जानते हैं, अगर स्वर्ग में से आते तो ये बुराई तुम्हारे मन में कहां से आती, और आगे जाने की संभावना भी नहीं है, चोरी बेईमानी करते हो, तो त्याग का जब स्वर्ग में तुम्हारा खान आगे होगा तो स्वर्ग का त्याग किया तो क्या किया? अरे पहले भज कल धारम का त्याग तो करो। महाराज हमने सिद्धियों का त्याग कर दिया,
सिद्धि कोई थी तुम्हारे पास? अनुभूत मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का त्याग कर दिया था, तुम्हारी मुट्ठी में थे, गाय का त्याग किया। तो ऐसे त्याग नहीं होता है। पहले सब किसका दान, किसका त्याग करना है स्वरूप से, किसका दान करना है, बुराइयों का त्याग करना है स्वरूप से, और जो अच्छी अच्छी चीजें अपने पास है वो दान करने के हैं। वो सड़ी सुपारी देवता को नहीं, और बुढ़िया गाय ब्राह्मण को, सड़ी सुपारी देवता को, बुढ़िया गाय ब्राह्मण, इसका नाम दान नहीं होता। बुराई का त्याग करो, जो तुम्हारे पास अच्छी अच्छी चीजें हैं उनका दान करो। हमने देखा उड़िया बाबा जी के सामने कुछ बढ़िया भोजन ला के जब रख देता, कहते थे बेटा ये तो हमसे खाया नहीं जाता है, तो लो तुम खाओ, लो तुम खाओ, लो तुम खाओ, बांटना अपनी थाली में से बांटना शुरू कर देते। तो भाई ये चीज निकम्मी है तो उनके घर पहुंचा दो, ये बात दूसरी होती। समर्पण होता है भगवान, असंगता होती है योगाभ्यास, वैराग्य वृत्ति है और असंगता दृष्टा का स्वरूप है, दोनों में फर्क होता है। वैराग्य साधन है और दृष्टा की स्वरूप में स्थिति साध्य है, और वेदांत का जो ज्ञान है वो साधन है न साध्य है, बोला। तो ऐसे आपको जिस देश की कानून को आप पढ़ें, वहां किस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है पहले ये समझ लें। कानून की भाषा अलग है और डॉक्टरी की भाषा अलग है और फिलॉसफी की, दर्शन की भाषा अलग है, साइंस की भाषा अलग है। तो ये समझना पड़ता है, बोली 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 समझनी पड़ती है। तो मोक्ष साधन क्या है? ये जो दूसरे के साथ हम अपनी गांठ जोड़ते हैं, दुनिया में कुछ किसी का नहीं है और कोई किसी का नहीं है। शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आत्मा की दृष्टि। देखो तुम्हारे पास जमीन है, क्या तुम अपने पास साथ लेके आए हो? क्या तुमने वो जमीन बनाई है? कहां से जुड़ गई? वो मानी हुई मेरी है। वो जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बेटे लेंगे कि दुश्मन लेंगे, इसका कुछ पता नहीं। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो मरते समय अपने बेटे से कह गए ये 10 लाख का दान बेटा कर देना। जब बाप को जला के आए तो बेटों ने कहा कि बाप जी तो हमारे बेवकूफ थे, उन्होंने मूर्खता से 10 लाख रुपया खराब किया, नहीं नहीं देने की जरूरत नहीं, बांटने की जरूरत। जब तुम अपने हाथ से नहीं देख कर दे सकते तो तुम्हारे ट्रस्टी तुम्हारी ओर से दान करेंगे, ये ख्याल करना ही बिल्कुल गलत है। तो तुम देखो कि क्या तुम्हारे साथ पहले था और आगे क्या रहेगा, और अब किसको अपना मानकर उसके साथ बंध रहे हो। और महाराज सत्संग में नहीं आ सकते क्यों? बोले घर को जरा छोड़ना, घर में कोई नहीं रहेगा। अच्छा भाई घर में तुम रहो, घर को अपने साथ ले जाना, और कुछ क्या है? ये दीवारें और ये जमीन तुम्हारे साथ जाएगी। तो जिसके साथ तुम बंधे हो, जिसके कारण तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते, आज चल के दो दो बात अपने दुश्मन से करनी है। आज जो दुश्मन से मुकदमा है ना, उसकी तारीख आज है। जो काल अपनी महबूबा को देखना है, लो बोला।
तो ये क्या हुआ, अपने आप को दूसरे के साथ जो बांधा हुआ है ना, ये मोक्ष में प्रतिबंध है, रुकावट है, अड़चन है। वो मोक्ष में अनास क्या है, अपने को किसी भी दूसरी चीज के साथ बांध देना, त्याग, सब साधनों में त्याग। अब त्याग कैसे हो, तो मैं के स्वरूप को समझो। तुमको कोई इतने चिकने हो तुम कि कोई चीज तुमको बांध के रख नहीं। बंधन सामने से नहीं आया है, बंधन तुमने डाला है। एक महात्मा के पास कोई गया, बोले महाराज हमको बंधन से मुक्त कीजिए, बंधन से मुक्त कीजिए, बड़ा भारी बंधन है। महात्मा हंसते रहे और घूमने के लिए निकले, जाके एक पेड़ को पकड़ लिया। अरे छुड़ाओ रे, छुड़ाओ रे, छुड़ाओ रे, पेड़ ने हमको पकड़ लिया। बोले बाबा जी, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ लिया। तब तो बेटा संसार ने तुमको नहीं पकड़ा है, तुमने संसार को पकड़ा है। क्या चिल्लाते हो, छुड़ाओ रे, छूटना तो चाहते ही। बोले महाराज कैसे छूटना चाहिए, चलो स्नान करें। और नदी में स्नान के लिए उतरे, जब चेले ने, पूछने वाले ने जब डुबकी लगाई तो उसके ऊपर गुरुजी चढ़ गए, डूब सारे। अब वो चिल्ला है, अरे आप सरपटा है, बोला तो जाए नहीं, बोले तो। थोड़ी देर के बाद, एक मिनट दो मिनट के बाद छोड़ दिया, निकल गया। बोले गुरु जी तुमने तो हमको मार ही डाला था। बोले हाँ मार तो डाला था तुमको, लेकिन तुम बताओ उस समय तुम्हारे मन में पानी में से निकलने की कितनी तीव्र व्याकुलता हो रही थी। बोले हाँ महाराज बहुत हो रही थी, तो बस यही मन आता था कि गुरु जी को उठा के फटक दें, हाँ उनके ऊपर चढ़ बैठे और हम बच जाएं। तो बस बस संसार से निकलने की जब ऐसी तीव्र इच्छा होती है, तब आदमी संसार से छूटता है। तो विषय में प्रवृत्ति होती है, इंद्रियों में आ गई ये निवृत्ति है, फिर इंद्रियों से निवृत्ति होती है, मन में प्रवृत्ति होती है, फिर मन से निवृत्ति होती है, विचार में प्रवृत्ति होती है, फिर विचार से निवृत्ति होती है, स्वरूप में स्थिति होती है, और फिर वो स्थिति भी बाधित हो जाती है। ये गति और स्थिति साधन के अंग हैं, स्वरूप में स्थिति भी साधन का अंग है, क्योंकि स्थिति पैदा हुई है इसलिए वो अपने आप कभी न कभी मिटेगी, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। त्यक्तु प्रत्यक् परम पदम, जो त्याग करेगा त्यागता जाएगा, त्यागता जाएगा, त्यागता जाएगा। तुम जिसको त्याग सकते हो उसको त्याग करो, तो जो त्यागा नहीं जा सकता उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। त्याग करने वाले का जो अंतिम स्वयं है, खुद है, खुद खुद ही छूट जाती है वो, और खुदा भी छूट जाता है, लेकिन खुद नहीं छूटता। ये वेदांत में खुदा को ब्रह्म नहीं कहते हैं, और दूसरे लोग जो समझते हैं कि वेदांती लोग अपनी खुदी को ब्रह्म बोलते हैं, जो त्याग का अंतरात्मा है, त्याग करने वाले का अंतरात्मा है, वो कूटस्थ, वो साक्षी, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत वस्तु, वही अद्वितीय परमात्मा ब्रह्म है, वही परम पद है। इसी से कहां ढूंढते हो, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास।
परमात्मा कहाँ है? बिल्कुल अपने पास है। पास कहने में भी परमात्मा दूर हो जाता है। पास तो दूसरी चीज होती है, वो तो अपना आपा है। और अपना आपा भी इसलिए कहते हैं कि आपकी बुद्धि को दूसरे से हटाना है, नहीं तो अपना आपा भी नहीं कहा जाता है। ऐसा ये परमात्मा महाराज वेदांत का परमात्मा, तेज धर्मम अधर्मम च तथा सत्यानृते अपि व्यासो न्यासो ब्रह्मेति च प्राह तैत्तिरीय श्रुतिस्तथा। अब वर्णन करते हैं एक साथ छोड़ो, यह और मैं दोनों को एक साथ छोड़ो, धर्म और अधर्म एक युगपत युगपत है। जैसे जहां गुलाब का फूल होता है वहां कांटा होता है। आपने गीता के इस श्लोक पर कभी ध्यान दिया है? न दिया हो तो जरा देना। हम विश्वास करते हैं कि आप लोग गीता जरूर पढ़ते हो, सब ऐसे बोलते हैं, और अभी तक न पढ़ी हो तो जरूर पढ़ना। हमारे देश के एक विद्वान हो, विद विद्यावाचस्पति विदेश गए तो उन्होंने सुना कि यहाँ एक जर्मन विद्वान है, लोग उनसे मिलाने के लिए ले गए तो उसने गीता की चर्चा छेड़ दी। और महाराज यहाँ के विद्यावाचस्पति और दलित, उन्होंने गीता तो कभी पढ़ी नहीं। तब उसने कहा कि देखो भाई, तुम भारतीय संस्कृति विद्यावाचस्पति विदेश, मैंने 90 बार गीता का सांगोपांग अध्ययन किया है, तुम भारतीय होकर गीता नहीं पढ़ते, शर्म हो रहा है। तो आपको गीता का वो वचन यदि आप पढ़ते होंगे तो जरूर ध्यान में आया होगा, और न आया हो तो आप जचाना। सर्वारंभा दोषेण भूमिनाग्निरिवावृता, सर्वारंभावि धूमेन दोषेण, सर्वारंभावि दोषेण भूमिनाग्निरिवावृता। जब आप कोई बड़ा बड़ा काम शुरू करोगे, बड़े बड़े आरंभ हो, ममता बनना पड़ेगा, जने जने के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। महाराज उसमें जो आदमी रखे जाएंगे मदद के लिए, वो कुछ बेईमानी भी करेंगे, चोरी भी करेंगे। जो आप होम में घी लगाओगे उसमें कुछ शुद्ध होगा तो कुछ अशुद्ध भी होगा। ब्राह्मण मंत्र बोलेंगे तो कोई ब्राह्मण शुद्ध बोलेगा तो कोई अशुद्ध भी बोलेगा। आपको क्रोध भी आएगा, कितने उसमें कीड़े जलेंगे मरेंगे। अच्छा, बड़ा भारी काम जब आप शुरू करोगे तो उसमें कुछ न कुछ दोष जरूर होगा। वो महाराज वासना जब बड़ी प्रबल होती है तब मालूम नहीं पड़ता है। हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन काम है जिसके लिए हम अपने को गंदा कर रहे हैं। कुछ जरूरी नहीं, सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नागरिक, जहां आग जलती है वहां धुआं होता है, जहां कोई महान आरंभ होता है वहां किसी का अपमान होता है और किसी का सम्मान होता है। हमने एक जगह देखा होगा, 5-7 महामंडलेश्वर बैठे थे देखता, तो ये हुआ कि सबको चंदन लगाना है, माला पहनाना है, आरती उतारनी है, तो पहले किसकी, और झगड़ा ही खड़ा हो गया, पहले किसकी, कोई नहीं मारे, सब कहें कि पहले हम ब्राह्मण आचार्य हैं, पहले हमारा होना चाहिए, हम बड़े अखाड़े के हैं, हमारा होना चाहिए पहले।
हम बूढ़े हैं, सबसे हमारा होना चाहिए, हम विद्वान हैं, सबसे हमारा। तो क्या तय क्या हुआ? बोले भाई पांच मंडलेश्वर हैं तो पांच जने थाली में चंदन अक्षत फूल माला आरती लेके खड़े हो जाएं और सब एक साथ ही करें। तो चलो निपट गया। बोले कौन दाहिने बैठे और कौन बाएं बैठे? अब बोलो, अब उतने लोग होंगे तो कोई ना कोई दाहिने बाएं तो बैठेगा ही। ये लड़ाई भगवान आओ गोलमेज बना, न कोई किसी के दाहिने न कोई किसी के गोलमेज बना। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता है, ये शंकराचार्य जो बैठते हैं तो उसमें ये होता है बीच में कौन बैठेगा, दाहिने कौन होगा, बाएं कौन होगा, किसका आसन चार अंगुल फीते से नापते हैं, चार अंगुल ऊंचा, चार अंगुल ऊंचा। कैसे आप दुनिया के काम को निर्दोष रूप से कैसे संभालोगे? हम बोलते हैं मुंह से और हमारे मुंह से किसी अशुद्ध शब्द का उच्चारण न हो, 5,000-10,000 शब्द बोलते हैं, किसी न किसी के उच्चारण में तो गलती गलती होती ही है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके साथ गलती जुड़ी हुई ना हो। जब आप अपने निष्कर्म अकर्म अकर्ता अभोक्ता स्वरूप में स्थित हो जाओगे, उसका अनुभव हो जाएगा, तो आप सब गलतियों से मुक्त हो जाओगे। कोई गलती नहीं, त्रुटि रहित कोई पदार्थ है तो ब्रह्म है, वो सत्य है, साक्षात है। त्यज धर्म अधर्मम जो उभे सत्यादृते त्यज, उभे सत्यादृते त्यक्त्वा येन त्यजति तं त्यज, त्यज धर्मम असंकल्पा अधर्मम चाप्यलिप्सया, उभे सत्यादृते बुद्धिया बुद्धि परम निष्ठया। ये महाभारत के श्लोक हैं, दो श्लोक या इन्होंने उत्तर दिए। धर्म भी छोड़ो अधर्म भी छोड़ो, सत्य भी छोड़ो असत्य भी छोड़ो, और जिसके द्वारा इन दोनों का त्याग होता है उसको भी छोड़ो। बोले ये तो बताओ, फिर कोई संकल्प मत करो तो धर्म छूट जाए, संकल्प से धर्म के ऊपर, संकल्प में अपेक्षा होती है, अपेक्षा बुद्धि में कर्तृत्व होता है, संकल्प बोले अधर्म होगा, अलिप्सा लिप्सा मत करो। और चोरी बेईमानी जीवन में क्यों आती है, व्यभिचार क्यों आता है, अनाचार क्यों आता है, लिप्सा क्यों आता है? एक होती है चिकित्सा, एक होती है लिप्सा। चिकित्सा माने करने की इच्छा और लिप्सा माने पाने की इच्छा। कुछ न कुछ तुम अपने लिए मजा चाहते हो और उस मजा को पाने के लिए अधर्म करते हो। अच्छा, सत्य अंदर को बुद्धि से था, वही सत्यानते बुद्धिया बुद्धिम परम निष्ठया, अपने स्वरूप का निश्चय करो तो बुद्धि का भी त्याग हो जाए। अपने स्वरूप में बुद्धि बुद्धि की जरूरत, दूसरे के लिए बुद्धि लगाने की जरूरत है, अपने लिए बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरे को मारने के लिए तलवार चाहिए है, ब्रह्म ज्ञान की तलवार द्वैत को काटने के लिए है, अपने को बनाने के लिए नहीं है। कहो कि भाई महाभारत में ऐसे ही उत्पटांग लिखा है, नहीं, उपनिषद में है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्राधर्मात् अन्यत्र च कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, तीनों उपनिषद का नाम। अन्यत्र विदितात् अविदितात् अधि, जो तुम जानते हो उससे भी ज्ञान, जो नहीं जानते हो उससे भी ज्ञान, धर्म से भी ज्ञाना अधर्म से भी ज्ञाना, जो तुमने किया है उससे भी ज्ञाना और जो न करने का किया है उससे भी ज्ञाना,
और जो करने का नहीं किया है उससे नहीं आ रहा, तीन अर्थ होता है। कृत अकृत किया है माने कृत को नहीं किया है और अकृत को किया है, और जो कुछ तुम्हारे जीवन में कृताकृत है उससे भी न्यारा, जो हुआ उससे भी न्यारा और जो होगा उससे भी न्यारा। ऐसा ये परमात्मा, ऐसे ये तुम हो, ऐसा ये परमात्मा। इसी से न्यासो ब्रह्मेति च प्राह तैत्तिरीय श्रुति। ये तैत्तिरीय उपनिषद जो है वो कहते हैं न्यासो ब्रह्म, न्यास ब्रह्म है, न्यास एवात्यरे चयत न्यासो वैषाम सर्वेषाम तपसाम अतिरिक्तम आहु। न्यास न्यास जो चीज जहाँ है उसको वहाँ रख दो। हम स्वामी योगानंद जी के साथ करणवास में रह रहे थे, सवेरे गया गंगा स्नान के लिए, जंगल में होकर जाना पड़ता था, मेरा तो एक रुपया मिला हो चांदी का रुपया हम दोनों चलता था। ये बात 37-31 के लगभग की है, बोला तो एक रुपया चांदी का पड़ा था रास्ते में और मैंने उठा लिया, उठा के ले गया स्वामी जी के पास, बताया हमको कि ये रुपया हमको रास्ते में लगा। तो बोले जल्दी करो लौट जा, जहां मिला है वहां रख लो, जिसका गिर गया होगा वो बेचारा गरीब घूमता हुआ उस रास्ते पर आ रहे होगा, उसको मिल जाएगा। अच्छा नहीं भी मिले तो किसी को मिलेगा, उठा के ले जाएगा, कोई बात नहीं। या तो इसको पुलिस करकर उठा के इसको सरकारी खजाने में जमा करें, और या तो जिसका है ये पड़ा हुआ रुपया लेने का तुमको कोई नहीं, तो मैं दौड़ के गया रखा है। अब आपको बताते हैं ये जो दुनिया आपको मिली है बाबा, ये जो दुनियादारी आपको मिली है, ये जो पड़ा हुआ रुपया ही मिला है, बिल्कुल पड़ा हुआ मिला है, बिल्कुल पड़ा हुआ मिला है, ये तो ज्यों का त्यों, ये तो धरोहर है, प्रकृति की है, ईश्वर की है, माया की है, पंचभूत की है, किसी की है, धरोहर है, तुम तो इसके मालिक नहीं हो, ज्यों का त्यों धरोहर। न्यास हो इसको बोलते हैं, न्यास, इसका नाम है संन्यास। बाद में ओम नमो नमः।